नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बल्लिया, आपको बताते चले, दिनांक 17 जून 2022 को अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने जमकर बलिया में धरना प्रदर्शन किया था। अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर जमकर किए तोड़फोड़, पुलिस ने भांजी लाठियां थी। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे तोड़फोड़ करने। दुकान व बसों में तोड़फोड़, सरकार बस को क्षतिग्रस्त किया था। पुलिस हालात को काबू में करने के लिए किया लाठीचार्ज किए थे। अग्निपथ योजना को लेकर हुए बवाल के दूसरे दिन आज हालात सामान्य है। सार्वजनिक जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बलिया शहर रेलवे स्टेशन पर हुए उपद्रव से संबंधित कुल 124 नफर अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया की बाइट। बलिया में जो कल सर मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कि जनपद बलिया में कल जो उपद्रवियों के द्वारा अराजकता फैलाने की कोशिश की गई थी, इसके क्रम में विभिन्न प्राप्त तहरीरों के आधार पर अब तक 3 मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें एक मुकदमे में 300 से 350 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ और एक अन्य मुकदमे में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सबसे प्रथम मुकदमे में अब तक 48 लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य मुकदमे में 12 लोग चिन्हित हो चुके हैं और उसके अन्य मुकदमे में भी विभिन्न कार्रवाई हुई है। अब तक जनपद बलिया में कल से मिलाकर के आज तक कुल 124 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अन्य जो हमारे पास वीडियो फुटेज है, जो अन्य सीसीटीवी कैमरा से फुटेज मिली है, अन्य जो मीडिया के पास से हमको फुटेज मिली है, उनकी तरफ से भी अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और आगे भी चिन्हित के बेसिस पर अरेस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ जो मुकदमे सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हुए हैं, वह काफ़ी गंभीर धाराओं में पंजीकृत हुए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से लड़कों को और अन्य और उनके अभिभावकों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो जो कि आगे जाकर के आपको लगता है कि उसमें कोई अराजक तत्व घुस करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हिंसा या कोई ऐसा प्रकरण हो जाए जिससे संज्ञेय अपराध पारित हो, क्योंकि उसके उपरांत जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए डीबार हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।